हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ सहेलियों की बाड़ी, जो कि काफ़ी फेमस है और काफ़ी अच्छा खूबसूरत गार्डन है। तो चलिए गाइस वीडियो शुरू करते हैं। का प्राइस है 20 रुपये पर पर्सन और इसका टाइमिंग है सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे तक। तो वही चलते हैं अंदर और एक्सप्लोर करते हैं सहेलियों की बाड़ी को। सहेलियों की बाड़ी का ये जो गार्डन है, ये गार्डन बनवाया था महाराणा संग्राम सिंह ने 1710 से 1734 के बीच में ये बनवाया गया था। यहाँ की जो राज परिवार की जो महिलाएं थी, उनके घूमने फिरने के लिए उन्होंने महाराणा संग्राम सिंह ने ये गार्डन यहाँ पर बनवाया था। गाइस इसको आप जानते होंगे, प्रशांत शर्मा PS, तो यही मेरे साथ है इस ट्रिप में। तो हाँ भाई प्रशांत शर्मा, कैसा लगा आपको उदयपुर आकर के? फिलहाल तो 1.5 दिन हो चुका है और 1.5 दिन में अल्टीमेट शूटिंग हुई है, वीडियो सारे एकदम अल्टीमेट बने, एक नंबर। और फिलहाल आगे भी और ऐसी लोकेशन है जो अल्टीमेट है, चलते हैं वहाँ एक बार देखते हैं कि कैसे क्या लोकेशन है और उस हिसाब से शूट करते हैं। और आप लोगों को प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी भाई के ब्लॉग में, पूरा उदयपुर का एक सेपरेट वीडियो, सब कुछ और प्लेलिस्ट पूरी आपको सारा सब कुछ मिलेगा। आपको यहाँ के टूर का गाइड वाला वीडियो अलग मिलेगा, यहाँ पे कौन कौन सी जगह है, कैसे आप प्लान कर सकते हो ट्रिप, सब कुछ मैं आपको देने वाला हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। टिकट वगैरह के प्राइस मिलेगा, टिकट वगैरह के प्राइस है हर जगह के, वो भी हम आपको एक बार बता देंगे एंड के वीडियो के एंड में या वीडियो के साथ साथ। बने रहिए आप चैनल के साथ, सपोर्ट करते रहिए भाई को। बस काफ़ी खूबसूरत गार्डन यहाँ पर बना हुआ है सहेलियों की बाड़ी में। और ये पीछे एक और फाउंटेन है इधर, ये भी काफ़ी प्यारा लगा मुझे। और हर जगह पर कोई ना कोई फ़ोटोशूट करने की, मतलब सारी जगह ही इतनी बढ़िया है कि हर कोई हर जगह पर फ़ोटोशूट करता हुआ यहाँ पर मिल रहा है। ये जो पीछे दिख रहा है, ये पूरा कमल का गार्डन, एक कमल ही कमल उगे हुए इसमें बीच में, काफ़ी जगह पर काफ़ी खूबसूरत है ये वाला गार्डन भी।
तो गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।